नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? अब हम इन्वेस्टर के साथ एक मिनट की बातचीत करेंगे। बिगनर्स को पहले सेविंग करनी चाहिए, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी बाजार में अमीर बनना इसलिए भी चाहते हैं कि आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, अपनी आमदन को बढ़ाइए। आप फालतू खर्चे बंद कर दीजिए। नए कपड़े आपको 2 दिन तक खुशी देते हैं, नया फ़ोन आपको 6 महीने तक आपको खुशी देता है, नया बाइक आपको 6 महीने तक खुशी देता है, नई कार आपको 1 साल तक खुशी देती है। लेकिन अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कई गुना हो जाता है, तो आप जितने मर्जी बाइक कार खरीद लेना, लेकिन पहले आप पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बनिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप बिना ज़रूरत की चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं, तो एक दिन आपके पास वह वस्तुएं ही रह जाएंगी। ज़रूरत का सामान ही खरीदना चाहिए। अब हम बिगनर्स के लिए एक शेयर बताते हैं, कामा होल्डिंग लिमिटेड। इसके में रिस्क नए के बराबर है। ये अपनी इंस्टिंक्ट वैल्यू से आधे दाम पर मिल रहा है। केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। दाम 2980 के आसपास है। 52 वीक हाई एंड लो 3500 रुपये और 1000 रुपया है। ऐसा नहीं है कि यह आज ही बढ़ जाएगा यह शेयर। थोड़ा बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेफ शेयर है। तो दोस्तों, अब मेरे पास 2 और शेयर हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। अब हम APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड पर चर्चा करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे और हम इसके फंडामेंटल भी सीखने की कोशिश करेंगे। हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी बातचीत करेंगे। APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड भारत में अग्रणी ब्रांडेड स्टील उत्पाद निर्माताओं में से एक है। दिल्ली NCR में हेड ऑफिस है। कंपनी शहरी बुनियादी ढांचे, आवास, सिंचाई संयंत्र जैसे उद्योगों अनुप्रयोगों की सेवा के लिए हम MS ब्लैक पाइप्स, गाल्वनाइज्ड ट्यूब, प्री गाल्वनाइज्ड ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल ERW स्टील ट्यूब्स एंड होलो सेक्शन टू सर्व इंडस्ट्री एप्लीकेशन बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस तरह है। अपोलो स्ट्रक्चरल रेवेन्यू इससे 69% के करीब इसका रेवेन्यू आता है। अपोलो जेड रेवेन्यू 27% के करीब आता है। अपोलो गाल्व रेवेन्यू 4% के से आता है। उत्पादों का उपयोग इमारतों, घरों, गोदामों, कारखानों, गगनचुंबी इमारतों, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों में होता है। कंपनी धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को डी कमोडिटाइज कर रही है। कंपनी 10x10 mm, 1000x1000 mm, 0.23 mm से 40 mm की मोटाई की सीमा के साथ स्टील ट्यूब्स बनाने वाली एकमात्र कंपनी है। कंपनी के पास 16 रजिस्टर्ड पेटेंट्स हैं। 50% की बाजार हिस्सेदारी है। 2025 तक 60% की हिस्सेदारी करने का इरादा है। कंपनी के पास 800 से अधिक वितरक, 50,000 से अधिक रिटेल विक्रेता और 300 से अधिक शहरों और कस्बों में पहुंच है। पूरे भारत में 10 विनिर्माण इकाइयां हैं। 67% की कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। 2025 तक 80% की कैपेसिटी पर काम करने की योजना है। तो दोस्तों, अगर इसको इमीडिएट डिमांड बढ़ जाती है, तो इसको विनिर्माण इकाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसका गेस्टेशन पीरियड कम से कम 5 साल होता है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, बिजनेस मॉडल है अच्छा है, और हमारी टीम इसके बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम APL अपोलो ट्यूब्स कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे। मार्केट कैप 45,036 करोड़ है। बुक वैल्यू 108 रुपये प्रति शेयर है। ROE 23.50% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। कंपनी ने 5 वर्षों में 32.40% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 3 साल का ROE ट्रैक रिकॉर्ड है जो 25.60 का है, जो बहुत अच्छा है। कंपनी की एवरेज सेल 10 वर्ष में 23.80% से बढ़ी है। कॉन्स्टेंट मे बी ट्रीटेड एज नील। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे। इसमें हम एक पिछला क्वार्टर देख लेते हैं और एक कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड का क्वार्टर भी चेक कर लेते हैं। तो सेल है जो जून 22 के अंदर 3439 करोड़ थी, मार्च 23 के अंदर 4431 करोड़ थी, जून 23 के अंदर 4545 करोड़ है। OPM 6% था जून 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 7% था और जून 23 के अंदर 7% था। नेट प्रॉफिट 121 करोड़ था जून 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 202 करोड़ था और जून 23 के अंदर 194 करोड़ था। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में बढ़े हैं। मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में रिजल्ट फ्लैट हैं। साल दर साल भी हम बाई ओ बाई भी रिजल्ट चेक कर लेते हैं।
इसमें हम TTM भी चेक करेंगे, ट्रेलिंग 12 मंथ के। बिक्री है जो मार्च 22 के अंदर 13,063 करोड़ थी, मार्च 23 के अंदर 15,166 करोड़ है। TTM 17,272 करोड़ दिखा रहे हैं। OPM 7% था मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 6% था, TTM 7% है। नेट प्रॉफिट 832 करोड़ था मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 863 करोड़ था, और TTM 961 करोड़ दिखा रहे हैं। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में इंक्रीज है, रिजल्ट्स मोर देन सेटिस्फैक्ट्री है। अब हम देखते हैं स्टॉक प्राइस CAGR में कितनी वृद्धि हुई है। 5 साल में 68%, 3 वर्ष में 74%, 1 वर्ष में 51% की वृद्धि हुई है। बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। रिजर्व 2414 करोड़ है, बोरिंग 581 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 504 करोड़ है, कंपनी डेट फ्री है, इन्वेस्टमेंट 91 करोड़ है, जो बढ़कर आप 300, 400, 500 करोड़ हो सकती है, क्योंकि कहीं रिवैल्यूएशन हमें बैलेंस शीट में नज़र नहीं आए। कंपनी में कुछ और डाटा भी देखेंगे। डेटर्स डेज 10 दिन से कम होकर 3 दिन हो गए, यह कंपनी की एफिशिएंसी दिखाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर 29.67% है, FII 28.66% है, DII 12.69% है, और पब्लिक के पास 28.99% है। शानदार फंडामेंटल है, हमारी टीम 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम इसके प्राइस वैल्यूएशन पर बातचीत करेंगे, इसमें हम एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे। शेयर के दाम 1600 रुपये के आसपास है, 52 वीक हाई एंड लो 1806 रुपये और 988 रुपये है। ROE 23.5% है, इसकी स्टॉक PE 63 है, केवल टाटा स्टॉल की स्टील की PE 71 है, थोड़ी वैल्यूएशन महंगी नज़र आती है। एक क्वेश्चन यह भी है कि इसकी प्राइस वैल्यूएशन कभी भी सस्ती नहीं रही, यह अपने फील्ड की लीडर कंपनी है, इसका बाजार शेयर 50% है। कंपनी में रिजल्ट 30 अक्टूबर को आने हैं, आप इसको रिजल्ट से पहले भी खरीद सकते हैं, या फिर रिजल्ट्स के आने के पश्चात आप सोच समझ कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को ICICI सिक्योरिटीज ने बाई टैग के साथ 1930 रुपये का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदना टैग के साथ 1930 रुपये का टारगेट दिया है। शेर खान ने तो बाई टैग के साथ 2000 रुपये तक का टारगेट दिया है। एक फोरकास्ट कंपनी तो 1 वर्ष का 2118 रुपये और 5 वर्ष का 4022 रुपये तक का फोरकास्ट किया है। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है और 3 वर्ष में 3000 रुपये का अनुमान लगाती है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। अब हमारे पास एक और शेयर है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसकी भी बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर पर। आज के भाव 92 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 103 रुपये और 61 रुपये है, मार्केट कैप 62,681 करोड़ है, EPS 2.90 रुपये है, PE 32 है, सेक्टर PE 76 है, फेस वैल्यू 1 रुपये है, डेट टू इक्विटी 0.54 है, प्रमोटर होल्डिंग 64.77% है, FII 11.41% है, DII 14.98% है। कमजोर बाजार है, चुनिंदा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में ही निवेश करना चाहिए। यह कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, हाल ही में नॉन ऑटो के सेक्टर जैसे एरोस्पेस और मेडिकल डोमेन में भी जुड़े कई अहम सौदे अधिग्रहण एक्विजिशन की है। प्रसिद्ध ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इसकी खरीद में टैग के साथ 115% का टारगेट दिया है, जो 24% अधिक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसका अच्छा समय चल रहा है, कंपनी के शेयर 2 साल में 150 के पार होंगे, ऐसा बाजार का जानकर अनुमान लगाते हैं। इसने 50% से ज़्यादा की रिटर्न 1 साल में दी है, निगाह बना के रखनी चाहिए। तो अब दोस्तों हमारे पास 2 सस्ते शेयर हैं जिनका हम चर्चा करेंगे। पहला है, हमने एक कॉमोडिटी शेयर लिया है, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड MAAN मान। शेयर पर विचार करेंगे। मान एल्यूमिनियम लिमिटेड को 1999 में निगमित किया गया था। यह एल्यूमिनियम प्रोफाइल एल्यूमिनियम सिलियां, एल्यूमिनियम बिलेट्स आदि के निर्माण और व्यापार में और अन्य संबंधित गतिविधियों में शामिल है। आज का भाव 110 रुपये के आसपास है, 52 वीक हाई एंड लो 118 रुपये और 35 रुपये है, मार्केट कैप 610 करोड़ है, स्टॉक PE 11.80 है, सेक्टर PE 25 के करीब है, कंपनी डिविडेंड देती है, ROE 46.60% है, ROCE 42.80% है। इसको चुनने का यही एक रीजन है कि ROE 46.60% है। फेस वैल्यू 5 रुपये है, कंपनी प्रमोटर होल्डिंग
4.67% की इसने कमी की है। स्टॉक ने एक वर्ष में 149% का शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के पास रिजर्व 117 करोड़ के और बोरिंग 56 करोड़ की है। प्रमोटर होल्डिंग 60.71% है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों को इस शेयर पर नज़र बना के रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक पैनी शेयर नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड के शेयर पर। नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ स्पॉन्ज आयरन इन इंडिया। आज के भाव 18 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई एंड लो 23 रुपये और 5 रुपये है। मार्केट कैप 69 करोड़ है। कंपनी प्रॉफिट में है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इक्विटी पर डेट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 69.81% है। म्यूचुअल फंड्स के पास 1.32% है। कमोडिटी शेयर है। फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं। 3 वर्ष में 77% की CAGR से प्राइस बढ़ी है। स्टॉक की PE केवल 5.78 है। लंबे समय के निवेशक इस पैनी शेयर पर अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।